गुरुग्राम में G20 समिट के लिए रखे गए गमलों की चोरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं हरियाणा पुलिस ने मनमोहन यादव नाम के व्यक्ति को गमला चोरी के लिए अरेस्ट किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चित यूट्यूबर एल्विश यादव को लोग निशाना बना रहे हैं। लोग फोटो और वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि वीडियो में दिख रही कार किसी और की नहीं बल्कि इंडियन यूट्यूबर एल्विश यादव की है और इसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को गमले चुराकर गाड़ी में रखते हुए देखा जा सकता है। ये गमले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर यहाँ की सजावट के लिए लाए गए। जब वहाँ काम कर रहे कर्मचारी से गमलों की जानकारी ली गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं सर, डेली होते हैं, डेली जो टैक्सी लंबर गाड़ी होती है वो ज्यादातर उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चार चौकीदार रखे गए हैं, नाइट में भी और दिन में भी चार चौकीदार रखे गए हैं। चार चौकीदार दिन में भी रात में भी? कई एक्सीडेंट हुए सर ऐसे ही, कई सारे। हाँ कई। तो इस तरीके से गाड़ी लंबर ले लिया जाता है और उनका फोटो भी डाल के हम अधिकारियों को डाल देते हैं। और कुछ लोग तो होंगे पता ही नहीं चलता होगा। नहीं सर, जिन पता सबकी पड़ता है, फोटो सबके लिए जा रहे हैं, किसी का वायरल हो रहा है किसी का नहीं। सोशल मीडिया पर लोग मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को गमला चोर बोलकर धड़ल्ले से ट्वीट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल गमले चुराने के लिए किया गया है वो एल्विश की है। दूसरी तरफ एल्विश ने ट्वीट कर इन आरोपों से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग गमला चोरी के वीडियो के साथ एक तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। इस तस्वीर में एल्विश दिख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीते साल की है, जब एल्विश राजस्थान के तिजारा पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि जिस गाड़ी में वे पहुंचे थे वही नंबर प्लेट वाली गाड़ी गमला चोरी के वीडियो में दिखाई दे रही है। एल्विश ने अपने ट्वीट्स में लिखा, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक बार कार में देखा गया था इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका मालिक हूँ। कुछ गंदी सोच। जिन्हें झूठी कहानी गढ़ने की आदत है वे एक बार फिर अपने बिलों से एक गढ़ी हुई कहानी लेकर बाहर आ गए हैं। मुझे भूल जाओ, वो देश या पीएम को भी नहीं छोड़ते। आप उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। झूठ के पैर नहीं होते, ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। इसलिए कितना भी जोर लगा लो, कितने भी नैरेटिव सेट कर लो, हिंदुओं के लिए बोलता आया था, बोलता हूँ और आगे भी बोलूंगा। जय श्री राम। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी गुरुग्राम के गांधीनगर का रहने वाला मनमोहन यादव है। आरोपी की गिरफ्तारी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर हुई है। पुलिस ने कार और चोरी किए पौधे भी बरामद कर लिए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी गुरुग्राम में ही अधिकारी है, हालांकि कुछ उसे प्रॉपर्टी डीलर भी बता रहे हैं। पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मामले में दूसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है।